खुद लेकर आ रहे ये है जी कैरेमल और ये वाला अच्छा सर इसमें क्या है मैं क्यों बताऊं ये देखो ये तो फुले हैं सर इस कैमरे की आंख में देखना है आपने हाय गाइज मैं हूँ रागी पॉपकॉर्न यानी कि फुल्ले सुनने और खाने में तो बड़ा इजी सीन है लेकिन इतना इजी होता नहीं है इस छोटे से एरी क्रंच के पीछे थोड़ी नहीं बड़ी ज़्यादा साइंस है तो आज रागी ट्राई करवाने वाला है आपको पाकिस्तान के सबसे फेमस ब्रांड के पॉपकॉर्न और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की साइंस आज पॉपकॉर्न का कर्नल बाकी कर्नल से काफी डिफरेंट होता है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी अलग होती है इसमें जो सबसे टेक्निकल चीज है वो है इसका मॉइस्चर अगर इनके अंदर मॉइस्चर 14% से कम हो तो कर्नल पॉप नहीं करता और अगर ये मॉइस्चर 14% से ज्यादा हो तो इनकी स्टोरेज का इशू आता है So you see, कितना डिफिकल्ट है इतने से कर्नल को पॉप करना और फिर इसमें फ्लेवर ऐड करना जो कि एक बिल्कुल अलग स्टोरी है जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा क्योंकि भाई ये फूड ब्लॉग है डॉक्यूमेंट्री नहीं चल रही सो मूविंग टू द रियल थिंग सो दिस इज वी ऑल लव पॉप नॉश और कोरोना की वजह से यार हम काफ़ी अर्से से सिनेमा नहीं जा सके थे तो मैंने सोचा क्यों ना सिनेमा की याद ताज़ा करते हैं और इनका ये कस्टमाइज बॉक्स है ये मंगवाते हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया कि यार मेरी अम्मा जी को ये एक डब्बा मिल जाएगा सुई धागा रखने के लिए मैंने ऑर्डर किए थे इनके फ्लेमिन हॉट कैरमल क्रंच और पीनट क्रंच जल्दी से करते हैं ट्राई सो जी सबसे पहले ट्राई करते हैं इनके फ्लेमिन हॉट और जी बड़ा प्यारा सा डब्बा है क्यूट सा पॉपकॉर्न इट्स बड़े माइल्ड से मरियल से होते हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट ये हम देसी लोगों के लिए जो तो देसी लोग हैं ना बड़ी मिर्चें खाते हैं उनके लिए बड़ी फिट चीज़ है फुल स्पाइसी बड़ा मजा आया तो जी मैं अब इनका ट्राई करता हूँ ये जी कैरमल क्रंच अगर आपको पॉपकॉर्न पसंद है तो कैरमल क्रंच ट्राई करें और अगर आपको नहीं भी पसंद तो फिर भी यार आपको कैरमल क्रंच ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें सब कुछ है क्या नहीं है यार इसमें मिठास है क्रंच है स्टिकीनेस है और कलर भी बड़ा फिट है लास्ट में हम ट्राई करते हैं इनके ये पीनट्स क्रंच टू मीठा मीठा हो गया ये फ्लेवर मैंने इनका ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे लगता था कि यार ज्यादा नटी सा फ्लेवर ना हो जाए मतलब जो नट्स का जो फ्लेवर है या उसका टेस्ट है वो प्रोमिनेंट ना हो बट बड़े अच्छे से ब्लेंड हुआ हुआ है और ये भी हैं क्रिस्पी हैं तो ओवरऑल देखा जाए 1600 रुपये में मुझे ये क्वांटिटी ठीक लगी आप अपनी फैमिलीज को भी मतलब एक दफ़ा लेके आओ और पूरी फैमिली राज्य के खाओ और ये मज़े का क्यूट डब्बा है आप किसको गिफ्ट भी कर सकते हैं वो अब मैं अपने बाकी कोलीग्स को ट्राई करवाता हूँ और देखता हूँ उनका कौन सा फेवरेट है और मैं अभी बाद में बताऊँगा कि मेरा कौन सा फेवरेट है वाहिद बंदा है मेरे साथ रमजान में एक बंदे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और पीछे मुंह करके बैठा हुआ है अल्लाह के बंदे ट्राई कर और बता कौन से सबसे अच्छे हैं यार रगीर नई नई चीजें लेके आते हो तुम ये कौन से ये है जी कैरेमल ये वाला अच्छा यार सबसे ज्यादा क्रिस्पी जो था वो ये था ये कैरेमल वाला और इसमें दोनों टेस्ट हैं कैरेमल स्वीट है ना तो ये स्वीट भी है और इसमें पीनट फ्लेवर तो ये मजे का पीनट वाला ये कौन सा दिस वन इज कैरेमल दिस इज पीनट एंड ये कैरेमल सबसे अच्छा तो आप पूछेंगे मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जी इनका फ्लेमिन हॉट फुल मसालेदार और आपके गले में सीधा जाके लगता है हाँ मुझे इनके जो मीठे थे पीनट वाला और दूसरा कैरेमल वो भी बड़े पसंद आए लेकिन उनका मेरे साथ ये इशू है कि मेरे से ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता और वो मतलब पता नहीं मेरे सर को चढ़ जाता कोई भी मीठा मेरे से ज़्यादा नहीं खाया जाता सो अब बात अच्छी है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इस पर 100 likes दे दो और पाकिस्तान के रियल स्टेट के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर्स पर राबता कर सकते हैं अल्लाह हाफिज अभी बुक नाउ पे क्लिक करें और पार्क एवेन्यू में अपना प्लॉट फौरी बुक करें